क्वेश्चन है हमारे पास, ए ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम बॉटम ऑफ ए इंक्लाइन प्लेन विद सम वेलोसिटी एज शोन इन द फिगर। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज 22 मीटर पर सेकेंड, न्यू दे रखा है 2√3 डिवाइड बाय 5, फाइंड आउट टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। फर्स्ट पार्ट में टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक नीचे की तरफ एक इधर इधर, तो ये कितना आ जाएगा 50√3 दैट इज द 50। ओके, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया हमारे पास 50√3, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा 2√3 डिवाइड बाय में 5 इंटू 50√3 यानी कि 60 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स 60 न्यूटन, तो एफ नेट क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ नेट क्या आ जाएगा 110 न्यूटन, बिकॉज नीचे क्या लग रहा है हमारे पास 50 और फ्रिक्शन फोर्स क्या है 60 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या देगा 110, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो फ्रिक्शन ब्लॉक को रोलने के लिए इसके अपोजिट में लगेगा, तो दोनों 60 110 न्यूटन हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास 110 डिवाइड बाय 10 यानी कि 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास क्या गया एक्सेलरेशन, तो वी इक्वल टू यू प्लस एटी। इनिशियली में वेलोसिटी क्या हमारे पास 22 मीटर पर सेकेंड, तो 22 इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास 0, जब वेलोसिटी रुक जाएगी फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 0, तो ये क्या हमारे पास 0, 22 माइनस ए कितना हमारे पास 11 इंटू टाइम हमें निकालना है, तो टी क्या आ जाएगा हमारे पास 22 डिवाइड बाय में 11 यानी कि 2 सेकेंड, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 0, इनिशियल में 22 दे रखी है तभी तो ब्लॉक फाइनल वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, जब मैक्सिमम हाइट तक चली जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो हमारे पास 2 सेकेंड्स के बाद जो वेलोसिटी है जो ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। ओके, तो 2 सेकेंड मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक एट मैक्सिमम हाइट, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट में ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए नीचे की तरफ क्या लगेगा हमारे पास 50, तो फ्रिक्शन फोर्स भी ऊपर वेलोसिटी क्या होगी 0, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 50 न्यूटन, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में नहीं है तो 50 न्यूटन ये क्या लगेगा हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स, बिकॉज ब्लॉक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद नीचे क्या देगा 50 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी क्या होगी 0, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ क्या लगेगा 50 न्यूटन लगेगा, तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा 50 न्यूटन।